बजट से जुड़े इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हृदय से स्वागत करता हूं। पिछले 8-9 वर्षों की तरह इस बार भी बजट में कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से बजट के अगले दिन के अखबारों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर बजट को गांव, गरीब और किसान का बजट कहा गया है। 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था हमारे आने से पहले, 25,000 करोड़। आज देश का कृषि बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। साथियों, आजादी के बाद लंबे समय तक हमारा कृषि क्षेत्र अभाव के दबाव में रहा। हम अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया पर निर्भर थे, लेकिन हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। आज भारत कई तरह के कृषि उत्पादों को निर्यात कर रहा है। हमने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच को आसान बनाया है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि बात चाहे आत्मनिर्भरता की हो या निर्यात की, हमारा लक्ष्य सिर्फ चावल गेहूं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के लिए 21-22 में दलहन के आयात पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स के आयात पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी तरह 21-22 में खाद्य तेलों के आयात पर 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुए। सिर्फ इतनी ही चीजों के आयात पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए, मतलब इतना पैसा देश के बाहर चला गया। ये पैसा हमारे किसानों के पास पहुंच सकता है अगर हम इन कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन जाएं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार बजट में इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाने वाले फैसले किए जा रहे हैं। हमने एमएसपी में बढ़ोतरी की, दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया, फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई गई, साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। साथियों, जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। आज भारत के कई सेक्टर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे ऊर्जावान युवा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में उनकी भागीदारी कम है। जबकि
वो भी इसके महत्व और इसमें आगे बढ़ने की संभावनाओं के बारे में जानते हैं। प्राइवेट इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर से दूरी बनाए हुए हैं। इस खाली जगह को भरने के लिए इस साल के बजट में कई तरह के ऐलान किए गए हैं। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ओपन सोर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म को बढ़ावा, हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की तरह सामने रखा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे यूपीआई का ओपन प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए आज डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। आज जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति हो रही है, उसी तरह एग्री टेक डोमेन में भी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की अपार संभावनाएं बन रही है। इसमें संभावना है लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने की, इसमें अवसर है बड़े बाजार तक पहुंच को आसान बनाने का, इसमें मौका है टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने का, साथ ही सही सलाह सही व्यक्ति तक समय से पहुंचाने की दिशा में हमारे युवा काम कर सकते हैं। जिस तरह से मेडिकल सेक्टर में लैब काम करते हैं, उसी तरह से निजी सॉइल टेस्टिंग लैब्स स्थापित किए जा सकते हैं। हमारे युवा अपने इनोवेशन से सरकार और किसान के बीच सूचना के सेतु बन सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि कौन सी फसल ज्यादा मुनाफा दे सकती है, वो फसल के बारे में अनुमान लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में मदद कर सकते हैं। युवा अपने इनोवेशन से किसी जगह पर मौसम में आ रहे बदलावों की रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध करा सकते हैं। यानी हमारे युवाओं के लिए इस सेक्टर में करने के लिए बहुत कुछ है। इसमें सक्रिय भागीदारी करके वो किसानों की मदद करेंगे, साथ ही उन्हें भी आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथियों, इस बार के बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, एग्री टेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए फंडिंग एवेन्यूज भी तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स की बारी है, वो उत्साह से आगे बढ़े और लक्ष्य हासिल करके दिखाएं। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि 9 वर्ष पहले देश में एग्री स्टार्टअप न के बराबर थे, लेकिन आज ये 3000 से भी ज्यादा है। फिर भी हमें और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत की पहल पर इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो। मोटे अनाज को अब देश ने इस बजट में श्री अन्न की पहचान दी है। आज जिस तरह
श्री अन्न को प्रमोट किया जा रहा है उससे हमारे छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। इस क्षेत्र में ऐसे स्टार्टअप के ग्रोथ की संभावना भी बढ़ी है जो ग्लोबल मार्केट तक किसानों की पहुंच को आसान बनाए। साथियों, भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन हो रहा है। अभी तक ये देश के कुछ एक राज्यों और कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। इस बार के बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर को टैक्स संबंधी राहतें दी गई हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। और अब तो हमने कोऑपरेटिव मंत्रालय ही अलग बना दिया है। अब आगे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली नई सहकारी समितियों को कम टैक्स रेट का फायदा मिलेगा। सहकारी समितियों द्वारा 3 करोड़ रुपए तक की नगद निकासी पर टीडीएस नहीं लगेगा। कोऑपरेटिव सेक्टर के मन में हमेशा से एक भाव रहा है कि बाकी कंपनियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस बजट में इस अन्याय को भी खत्म किया गया है। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत शुगर कोऑपरेटिव द्वारा 16-17 के पहले किए गए पेमेंट पर टैक्स छूट दी गई है। इससे शुगर कोऑपरेटिव को 10,000 करोड़ का फायदा होगा। साथियों, जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं पहले से नहीं है, वहां डेयरी और फिशरीज से जुड़ी सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। विशेषकर फिशरीज में हमारे किसानों के लिए कई बड़ी संभावनाएं मौजूद है। पिछले 8-9 वर्षों में देश में मत्स्य उत्पादन करीब 70 लाख मेट्रिक टन बढ़ा है। 2014 के पहले इतना ही उत्पादन बढ़ाने के में करीब करीब 30 साल लग गए थे, 3 दशक। इस बजट में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 6,000 करोड़ की लागत से एक नए सब कंपोनेंट की घोषणा की गई है। इससे फिशरीज वैल्यू चेन के साथ साथ मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। इससे मछुआरों और छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर बनेंगे। साथियों, हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और केमिकल आधारित खेती को कम करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम प्रणाम योजना और गोवर्धन योजना से इस दिशा में बड़ी मदद मिलेगी। मैं आशा करता हूं हम सब एक टीम के रूप में इन सभी विषयों को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर एक बार आज के एक वेबिनार के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब स्टेक होल्डर्स मिलकर के इस बजट का अधिकतम लाभ अधिकतम लोगों को जल्दी से जल्दी कैसे मिले। बजट में किए गए प्रावधानों और आपकी शक्ति आपका संकल्प जुड़ जाए तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम जिन ऊंचाइयों को कृषि क्षेत्र को ले जाना चाहते हैं, मत्स्य उद्योग को ले जाना चाहते हैं, हम जरूर ले पाएंगे। आप बहुत गहराई से चिंतन कीजिए, मौलिक विचारों का योगदान दीजिए,
रोडमैप बनाइए और मुझे पक्का विश्वास है ये वेबिनार एक साल के लिए पूरा रोडमैप तैयार करने में सफल होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।